बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं इस तरीके से आपको गले की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। नेक डिज़ाइन है, आपको आपकी लंबाई है, आपको जितनी अपनी लंबाई रखनी है नेक डिज़ाइन की, आप उतनी रखें, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने आपको यहाँ पे आगे गले की कटिंग करना एक साइड की बताई है, ठीक है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको गले की दूसरी साइड से कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे। देखें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 डबल क्रोशे किए हैं। अब यहाँ पे इस गैप पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 ही डबल क्रोशे, 1 2 3। अगेन यहाँ पे 9 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर 2 चेन ली, यहाँ पे पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे 1 डबल क्रोशे। फिर 2 चेन ली, यहाँ पे भी नहीं डालेंगे, एक जितना डालेंगे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 ही डबल क्रोशे, 3 चेन लेके टर्न करेंगे यहाँ पर, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। देखिए, 3 चेन लेके टर्न किया, 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 9 डबल क्रोशे के ऊपर 9 डबल क्रोशे करेंगे, 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशे करेंगे। दो 3 4 5 6 8 और ये 9, 9 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे। आप देखें,
यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे कोई चेन नहीं ली थी, अब मैं यहाँ पे मैं एक चेन लूंगी। ठीक हो गया, एक चेन देख ली। अब एक चेन लेने के बाद यहाँ पे नाइन डबल क्रोशे थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ डबल क्रोशे के ऊपर नौ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ। ठीक हो गया, आप दो चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दो चेन ले रही हूँ और इस जगह पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे साइडों पे दोनों जगह पे। यहाँ पे दो चेन लेने के बाद तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे लेंगे। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे कर लिया। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे, तीन चेन लेके टर्न किया, अगेन यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और उसी जगह पे डाल के तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन। ठीक हो गया, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब दो चेन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पत्ते बनाने हैं ना, जिस तरीके से ये पत्ता बनाया है इसी तरीके से हम ऊपर भी पत्ता बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक एक साइड से छोड़ते जाएंगे, नौ थे तो साइडों का एक एक छोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, उससे आगे करेंगे। देखें, एक डबल क्रोशे, दो तीन चार पांच छः और ये सात, नौ में से दो निकाले तो सात बच गए। अब यहाँ पे दो चेन लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दो और तीन डबल क्रोशे किए, फिर तीन चेन लेके, एक दो तीन चेन लेके उसी जगह पे डाल के तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, अगेन तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर से उसी जगह पे डाल के तीन डबल क्रोशे और करेंगे, एक दो और तीन। ये देखें, दो बार किया, तीन तीन चेन का गैप दो बार दिया। अब दो चेन लेके साइडों का एक एक छोड़ देंगे और सात डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पत्ता बना रही हैं। ये देखें, जिस तरीके से यहाँ पे साइडों का एक एक छोड़ा ना, सात डबल क्रोशे किए, सेम एज इट इज इस यहाँ पे भी किए, साइडों का एक एक छोड़ के, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब दो चेन लेके यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें, अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें, तीन चेन लेने के बाद तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। अब दो चेन लेके यहाँ पे सात डबल क्रोशे थे, सात में से साइडों का एक एक निकाल देंगे, क्योंकि पत्ते की शेप देनी ना, अब यहाँ पे नहीं करेंगे, उससे आगे वाले में करेंगे।
एक दो तीन चार और पांच, सात में से दो निकाले तो कितने आ गए पांच। अब दो चेन लेके यहाँ पे दो कॉर्नर्स बनाए थे, अब एक पहली तीन चेन के गैप में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे, अब यहाँ पे दो चेन लेंगे और इस जगह पे डाल के तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे। देखिए आप दो चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे साइडों का एक एक छोड़ के पांच डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये देखें एक दो तीन चार पांच डबल क्रोशे करने के बाद अब दो चेन लेके यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे, ये देखें अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे, तीन चेन लेके टर्न किया, अगेन यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे। अब देखें यहाँ पे आगे दो चेन लेंगे, अब फिर से साइडों का एक एक छोड़ के तीन डबल क्रोशे यहाँ पे दोचेंगे, ठीक है। यहाँ पे पांच थे ना, पांच में से दो निकाले तो तीन आ गए, एक दो और तीन, फिर से दो चेन लेके यहाँ पे एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे, एक दो और तीन। अब ये दो चेन का जो गैप दिया था यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशे, अब मैंने चेन नहीं ली, ठीक है, डायरेक्ट मैं तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और तीन। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे तीन चेन का जो गैप है यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे। आप दो चेन लेंगे, यहाँ पे देखें एक दो तीन चार पांच डबल क्रोशे में से पहला नहीं करेंगे, दूसरे वाले में डालेंगे, एक दो और तीन, फिर से दो चेन लेके इधर तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे करेंगे, ये देखें तरीके से लीफ स्टिच बनता जा रहा है। अब तीन चेन लेके फिर से टर्न करेंगे, यहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन
और तीन ही डबल क्रोशे करेंगे। अब दो चेन लेके यहाँ पे तीन डबल क्रोशे थे साइडों का एक एक छोड़ के ये एक डबल क्रोशे रह जाएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे, इससे आगे एक डबल क्रोशे इधर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब फिर से दो चेन लेके अब ये देखें यहाँ पर नाइन डबल क्रोशे इस जगह पे करेंगे, दोबारा पत्ते की शेप देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। नाइन डबल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे कोई चेन नहीं ली थी, अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे तीन डबल क्रोशे देखें, तीन डबल क्रोशे फिर तीन चेन अगेन उसी जगह पे डाल के तीन ही और डबल क्रोशे, एक दो और तीन, फिर एक चेन लेके यहाँ पे नाइन डबल क्रोशे करेंगे। देखें नाइन डबल क्रोशे फिर एक चेन तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे, फिर एक चेन नाइन डबल क्रोशे, साइडों पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चेन लेंगे, साइडों का एक एक छोड़ के एक डबल क्रोशे इस जगह पे करेंगे, फिर दो चेन लेके तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और ये तीन। अब अगेन तीन चेन लेके टर्न करेंगे, देखिए यही पैटर्न आप रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ पे नाइन डबल क्रोशे थे ना, नाइन के ऊपर नाइन पहले करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक एक छोड़ते जाएंगे तो ये हमारा पत्ता बनते जाएंगे। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत से डिजाइन बनता जा रहा है। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे करेंगे, अब दो चेन लेंगे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पे मैंने नाइन डबल क्रोशे किए थे तो नाइन के ऊपर नाइन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ डबल क्रोशे। अब दो चेन लेके तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे करेंगे, ये देखें अगेन दो चेन लेंगे, फिर से नाइन डबल क्रोशे के ऊपर नाइन डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, ये देखें अब दो चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे लास्ट पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो तीन डबल क्रोशे, तीन चेन
और तीन ही डबल क्रोशे, एक दो और तीन, फिर से तीन चेन लेके टर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यही स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे, आप साइडों से एक एक कम करेंगे और यहाँ पे जो किया मैंने सेम यही पैटर्न यहाँ पे रिपीट करेंगे, तीन डबल क्रोशे, फिर तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। ठीक है, यही स्टेप्स आप आगे यहाँ पे करेंगे और साइडों का एक एक कम करते जाएंगे तो ये पत्ते की शेप बनती जाएगी। ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ में लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब आगे आपने जितना मज़े बढ़ाना है आप उतना बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अब देखें तीन चेन लिए मैंने यहाँ पर, तीन चेन लेकर टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद यहाँ पर तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन डबल क्रोशे जो साइडों पे कत्ती आ रही हैं। ठीक है, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे। अब दो चेन लिए, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमने नाइन डबल क्रोशे किए थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब नाइन डबल क्रोशियों में से हमने एक एक छोड़ते जाना है पत्ते की, जैसे हमने आपको पता है शेप दी थी, ए पहला छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा। जाहिर सी बात है नौ में से दो निकालेंगे तो सात डबल क्रोशे हम करेंगे। ठीक है, अब दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद यहाँ पे डाल के तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे, इस जगह पे डाल के एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे आगे करेंगे, एक दो और तीन। ठीक हो गया, ये देखिए। अब देखिए आपने जैसे आपने जितनी मर्जी लेंथ रखनी है आपने गले के हिसाब से उतनी आप रखेंगे। ठीक है, ये देखिए अब मैं यहाँ पर गला जाहिर सी बात है छोटा बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो पत्तियों के बाद अब गले की कटिंग स्टार्ट कर दूंगी। आपने जितना लंबा रखना है आप उतना लंबा रखें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ गले की कटिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे जितना आपने इस गले को लंबा रखना है आप उतना लंबा रखें। ठीक हो गई, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करने के बाद अब तीन चेन लेके एक दो और तीन चेन लेके टर्न करेंगे। अब इधर से ही हमने टर्न करना, आगे का नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम नहीं बनाएंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर डाल के तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन। अब दो चेन लेके यहां से साइडों का एक एक छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे देखें पहला छोड़ के दूसरे वाले में डालेंगे तो एक हो जाएगा, दूसरा, तीन, चार और ये पांचवा डबल क्रोशे। ठीक हो गया, साइडों का एक एक छोड़ देंगे। सात थे ना पहले, सबसे पहले नौ थे, फिर सात हुए, फिर अब पांच हो गया। अब दो चेन लेंगे, यहां पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन
और तीन ही डबल क्रोशे करेंगे इस जगह पे। देखें तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करने के बाद अब तीन चेन लेके टर्न करेंगे। तीन चेन लेके टर्न किया, फिर से तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें तीन चेन लेके टर्न किया, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे किया। अब दो चेन लेके यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे कितने थे साइडों का, एक छोड़ के तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। पांच ना पहला जो छोड़ेंगे दूसरे वाले में डालेंगे, एक दो तीन बनाएंगे, आखिरी का भी छोड़ देंगे। अब दो चेन लेके यहाँ पे भी तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे। अब अगेन तीन चेन लेके टर्न करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेके टर्न किया, अगेन वैसे ही तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करेंगे। ये देखें तीन चेन लेके टर्न किया, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे करने के बाद अब दो चेन लेके, अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशे साइडों का, एक एक छोड़ के एक आखिरी रह जाएगा। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर दो चेन लेके यहाँ पे भी सेम, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन और तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन डबल क्रोशे, तीन ही चेन लेंगे और आगे तीन ही डबल क्रोशे करेंगे, एक दो और तीन, ठीक है। अब अगेन तीन चेन लेंगे, टर्न करेंगे, यहाँ पर फिर से तीन ही डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। देखिए तीन चेन लेके टर्न किया था, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। अब दो चेन लेंगे, देखिए यहाँ पे ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, एक डबल क्रोशे था। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे जहाँ पे तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन ही डबल क्रोशे है। एक दो और ये तीन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीन चेन लेके अगेन टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद अब ये देखें, अब यहाँ पे इसी चीज को आगे लेके जाएंगे, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर दो चेन का गैप देखें, तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, यानी यही चीज हमने आगे तक लेके जानी जितने आपकी गले की लेंथ है। ये देखें मैंने गले की एक साइड पे कटिंग कर ली है सारी, ठीक है। ये देखें अगर आप गले की दूसरी साइड की भी कटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके आगे आपको बताऊंगी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में गले की दूसरी साइड की कटिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा, जो लाल कलर का बटन है इसे लाजमी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।